कभी कभी हकारत की नज़र से भी लोग इस तरह देखते हैं कि देखिए भाई ये तो बहुत आगे नहीं है और बहुत पिछड़े तरीके की नज़र से देखते हम हैं। देखते हैं कि हकीकत में पिछड़ा कौन है। हकीकत में पिछड़े वो लोग हैं जहां पर औरतों के प्रिजर्वेशन किया जा रहा है, या वो लोग हैं जो औरतों को एक्सपोज करने के चक्कर में इतनी सारी टीन एज प्रेगनेंसीज, इतनी सारी अनमैरिड प्रेगनेंसीज, इतने सारे रेप्स, कौन लोग इन रियल सेंस प्रोग्रेसिव है। तो ये तो सोच है लोगों की। अब कोई इंसान अगर दो और दो पांच कह रहा है वो यही समझता है कि मैं ही सही हूं, या कोई कह रहा है जैसे एक जमाने में था कि जमीन चपटी है मानते हैं, वही अपने आप को सही समझ रहे हैं, तो हम दुनिया के लोगों की सोच को जितना करेक्ट कर सकते हैं करेंगे, बट एटलीस्ट हमें पता हो कि हम सही हैं, तो हमारे अंदर वो चीज के ताल्लुक से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हो सकता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी की हिदायत का जरिया बनेगा। तो यहां पर बात यह है कि जो औरतों ने हिजाब करना शुरू किया, उन्होंने नोटिस किया कि मर्दों की नजरें और जिस तरह से उन्हें सोसाइटी में ट्रीट किया जा रहा था, वो एक ज्यादा रिस्पेक्टफुल, ज्यादा ऑनरेबल ट्रीटमेंट बन गया। तो ये रियलिटी है जिसकी बहुत सारी टेस्टिमनीज मौजूद है।